वेलकम बैक। अब खबर आम आदमी पार्टी को लगे एक और झटके के। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और विधायक सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सोनी सुसाइड केस में विधायक शरद चौहान गिरफ्तार कर लिए गए। विधायक समेत सभी आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल के एक और एमएलए अरेस्ट। आप एमएलए शरद चौहान अरेस्ट। सोनी सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन। नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान को आप कार्यकर्ता सोनी की आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। सोनी सुसाइड केस में क्राइम ब्रांच 4 दिन से शरद चौहान से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुसाइड करने वाली सोनी और उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि विधायक की शह पर उनका करीबी रमेश भारद्वाज उसे परेशान कर रहा था। सोनी ने सुसाइड से पहले कैमरे के सामने 3 लोगों का नाम लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें रमेश भारद्वाज के ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव का आरोप लगाया था। सीएम समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दोषी पर कार्रवाई की जगह उससे कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव डालने का इल्जाम भी लगाया था। आपके महिला कार्यकर्ता ने जहरीली चीज खा ली थी। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इलाज के दौरान उसने 19 जुलाई को दम तोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। 26 जुलाई को आरोपी रमेश भारद्वाज को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। 4 दिन से रमेश भारद्वाज और विधायक शरद चौहान से पूछताछ हो रही है। अब तक इस मामले में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नरेला पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर को भी अरेस्ट किया गया है। अब तक आम आदमी पार्टी के कुल 12 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दिल्ली पुलिस पर केंद्र के इशारों पर चलने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सबूतों के आधार पर हो रही है।